complete test video. Assalamualaikum. तो बहुत से दोस्तों का इसरार था कि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं कि कैसे टेस्ट होता है और कौन सी जगह में होता है. ये यहाँ पर अजमान में ऑटोमेटिक की दो जगह हैं जहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा. एक है प्रोफेशनल कार ड्राइविंग स्कूल. और तो यहाँ पर जब आप प्रोफेशनल कार ड्राइविंग स्कूल के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर से आप टोकन लेते हैं. यहाँ पर से आपको एक टोकन मिलेगा. आपकी लोकेशन नंबर एक है या लोकेशन नंबर दो है. टोकन लेने के बाद रहमान भाई यहाँ पर हम लोग अंदर आ जाते हैं. तो अंदर आके ये चेयर पर बैठ जाते हैं अगर लोकेशन नंबर एक है या दो. यहाँ पर एक डोर बना हुआ है अलग से बाहर जाने के लिए. तो यहाँ से आप देखते हैं कि जब बाहर आपको नज़र आता है कि गाड़ी यहाँ पर एक बंदा देख रहा होता है गाड़ी आ चुकी है लोकेशन नंबर एक की या लोकेशन नंबर दो की गाड़ी आ चुकी है. तो फिर आपके टोकन नंबर देखते हैं. टोकन नंबर से आपको बोलेंगे कि अभी आप लोग जाओ और टेस्ट के लिए जाओ. तो यहाँ से चार आदमी जाएंगे. यहाँ से उठकर बाहर की तरफ चार आदमी जाएंगे. तो जैसे मैंने इनको बोला है रहमान भाई आ जाएं तो ऐसे आते हैं. तो ये गाड़ी खड़ी है, ये हमारी गाड़ी खड़ी है. तो ऐसे ही मैं बताता हूँ कि ये साइड में बैठे होंगे एग्जामिनर पुलिस वाले जो भी हैं. तो वो यहाँ पर बैठे होंगे यहाँ पर ये सीट में. तो आपको एक बंदे को ड्राइविंग सीट में आ जाना है. तो बाकी जो हैं वो पीछे बैठ जाएंगे. तीन बंदे पीछे बैठ जाएंगे और एक जो है ड्राइविंग सीट में आना है. और उनको सबसे पहले क्या करना है, एमरस आईडी देना है. सबसे पहले एमरस आईडी एग्जामिनर को देना है अपना. वो आपका उधर चेक करेंगे नाम और वो चेक करने के बाद देखेंगे आपका नाम है. फिर उसके बाद वो स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे. अब अपना प्रोसेस शुरू करें. तो आपने अपने प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना है, वो गाड़ी में बैठ के सीट एडजस्ट करके मिरर्स एडजस्ट करके सीट बेल्ट लगा के. तो आपको सबसे पहले सेंटर ग्लास देखना है. सेंटर ग्लास देख के, साइड ग्लास देख के, हेड चेक करके क्लियर करना है रोड को. जब तक रोड क्लियर नहीं है आपकी गाड़ी का व्हील मूव नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा भी अगर मूव होगा तो और गाड़ी आ रही है तो आप लोग फेल हो. क्या है कि जब भी आपको पार्किंग से बहुत सेफ पार्किंग से निकालना है. पार्किंग से निकल के अगर आपकी गाड़ी ये सामने देखें गाड़ी क्लोज है तो आपको थोड़ी सी गाड़ी पीछे लेनी है. और कैसे लेनी है, वो साइड पार्किंग में जो आप लोग ने प्रोसेस किया था कि राइट में टर्न करके गाड़ी को राइट स्टेयरिंग टर्न करके थोड़ा सा पीछे आने रिवर्स लेके गाड़ी का फेस रोड की तरफ हो जाए. ऐसे नहीं निकलना कि आप लोग अगर गाड़ी क्लोज है तो बिल्कुल क्लोज से निकलेंगे तो भी गलत है. बहुत ज़्यादा क्लोज करके नहीं गाड़ी से निकलना. सामने की गाड़ी को भी सेफ रखना है और पीछे भी आप लोगों को चेक करना है. रहमान भाई अब इधर से मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो. तो अब आप देखें पहले क्या है, ये गाड़ी का डिस्टेंस ठीक है, इधर से निकल सकती है गाड़ी सामने की तरफ. अगर नहीं निकल सकती तो आप रिवर्स गियर लगाएं और कौन सी साइड में गाड़ी को मूव करके पीछे आएंगे. ये चीज सही है, वेरी गुड. थोड़ा पीछे आ जाए, सही है, बस ठीक है. बस थोड़ा सा ज्यादा पीछे भी देखना है गाड़ी को, ठीक है ये चीज. और सबसे पहले क्या करना है, अभी गाड़ी पार्किंग से निकलते हुए पहले आपको ये सेंटर ग्लास देखना है और फिर साइड मिरर से गाड़ी लास्ट में उधर देखें साइड मिरर में. वो गाड़ी जैसे आ रही है आपने क्या करना है, गाड़ी से लाजमी 100% आपको गाड़ी से सेफ गाड़ी निकालनी है. इधर टर्न करें और टर्न करें, हाँ सही है. अब गाड़ी से निकलते हुए आपको थोड़ा स्लो होने के बाद अब स्पीड करनी है, ठीक है. अब ये रोड, ये चीज लाजमी है, ठीक है. अब रोड पर आप निकलते हैं ना, सेंटर ग्लास एक बार देखें और इसके बाद आपकी स्पीड जो है ना वो 40 होनी चाहिए, 40 से ज्यादा होनी चाहिए. जल्दी से जल्दी अपनी स्पीड मेंटेन कर लेनी है, ठीक है. आपने ये रोड पर आपने स्लो नहीं रहना, ठीक है. जैसे ये बंदा रोड क्रॉस कर रहा है या साइकिल वाला जा रहा है तो डबल इंडिकेटर के लिए आपने रेडी रहना है, ठीक है. और दूसरी बात है, अभी आज हम लोग राइड करेंगे, राइड की ट्रेनिंग करेंगे. राइड जाना है, ये जगह से राइड जाना है, ठीक है. ये जगह से राइड, आप ये जगह सिग्नल राइड बोलेंगे. ये पीछे जो राइड था उसको इग्नोर करना है, ठीक है. आपने वो हमेशा सिग्नल राइड बोलते हैं. अब यहाँ से राइड जाना है, इंडिकेटर लगाएं लेफ्ट का. यहाँ से देखें पीछे गाड़ी तो नहीं है. अब लाइन चेंज करनी है यहाँ से, अब आगे नहीं जाना. ये रहमान भाई गलत है, ठीक है. आप लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं ना, ये जो राइट, तो इधर गलती कर दी थी रहमान भाई ने, तो मैं अभी इनको ले आया हूँ दोबारा से समझाने के लिए. ये राइट में, ये जो राइट है ना ये ऐसे नहीं समझ आएगा, तो मैं इनको नीचे ले आया हूँ तो इनको समझाने के लिए कि ये कैसे करना है ताकि इनको पता रहे टेस्ट में इनके. ये जो सिग्नल के साथ राइट है ये हम लोगों को राइट आके यहाँ पर से लाइन चेंज करनी है. आ जाए रहमान भाई, आगे थोड़ा आ जाए रहमान भाई. ये जो लाइन फुल लाइन है ना, ये फुल लाइन आ रही है, ये फुल लाइन जहाँ पर ख़त्म हो रही है ना यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर स्टॉप करना है. इससे आगे हम लोग जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल नहीं है ये, अगर ये पेट्रोल पंप इधर
तो हम लोग फिर आगे तक जा सकते हैं जहाँ तक ये ट्रैक जा रहा है। अभी हमारा क्या है कि ये पेट्रोल पंप है, इसका इंटरेस्ट है, यहाँ पर से गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं, ये सिग्नल से गाड़ियाँ स्पीड से आएंगी और यहाँ पर से इंटर होंगी। अगर कोई गाड़ी अगर सामने, जैसे वो गाड़ी जा रही है, अगर जा रही है और उनको ब्रेक लगानी पड़ेगी तो पीछे गाड़ियाँ सारियाँ डिस्टर्ब होंगी, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ से क्रॉस करना है, यहाँ से उधर जाना है, आगे नहीं जाना, वो पेट्रोल पंप के सामने तक हमें नहीं जाना, क्योंकि पेट्रोल पंप के सामने तक जाएंगे तो ये गाड़ी जो पेट्रोल पंप के अंदर जा रही है उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी, फिर पीछे सिग्नल पर गाड़ी, ये बात समझ गया। हम लोगों को यहाँ से ये जो जगह फुल लाइन के से पहले नहीं करनी, फुल लाइन के बाद हम लोगों को अगर ब्रेक भी करनी है तो यहाँ पर रुकना है ये जगह में, ठीक है। अगर हम लोगों को क्रॉस भी करना है तो फिर कहाँ से, यही जगह, इसी जगह से क्रॉस भी करना है, ठीक है, ओके। तो अब जो मैंने आपको समझाया, लेफ्ट इंडिकेटर डालें, थोड़ा सा आगे जाएं और यहाँ पर रुक जाएं, जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं ब्रेक कर लें, यहाँ पर लेफ्ट इंडिकेटर लगा के यहाँ पर रुक जाएं, इंडिकेटर चलता रहेगा लेफ्ट। देखिए अब गाड़ियाँ आ रही हैं ना, हमें वहाँ से देखना है गाड़ियाँ आ रही हैं, जी जी, जब तक गाड़ियाँ आ रही हैं हमें यहीं पर रुकना है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो पेट्रोल पम्प का इंटरेस्ट है वो फ्री कर दिया है, ठीक है, ताकि कोई गाड़ी को, जैसे वो गाड़ी जा रही है अभी पेट्रोल पम्प पर, तो उसको, उसके लिए कोई रास्ता बंद ना हो, ठीक है। अब जाना है, अब स्पीड करनी है, यही जगह से लाइन चेंज करनी है और स्पीड करें, ठीक है, इसलिए हम लोगों को आगे आना नहीं पड़ा क्योंकि पेट्रोल पंप का रास्ता है, ठीक है, और वो स्टॉप लाइन जो फुल लाइन थी उसको भी क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, उसके बाद जहाँ से डॉट लाइन शुरू हो रही है ना, तो वहाँ से जो हमें लाइन चेंज करनी है, ठीक है। अब स्पीड कर लें थोड़ी सी, ये 60 का रोड है तो तकरीबन 10 सेकंड के बाद सेंटर क्रॉस देखते रहा करें, ठीक है, स्पीड करें, अभी 60 का रोड है तो 60 तक जाने दें, स्पीड करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप पार्किंग करें, रहमान भाई पार्किंग करें, ये गाड़ी के पीछे जाएं, इंडिकेटर लगाएं, ठीक है, इधर गाड़ी लेके आएँ, मैं आपको बताता हूँ, हाँ सीधा ऐसे गाड़ी पार्क कर दें, सही है। अब क्या है कि अगर पार्किंग फ्री है तो आप पार्किंग में लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा शुरू क्या बोलते हैं कि आपको ये जगह में सेफ है, क्योंकि रोड से भी हम लोग नीचे हैं और पार्किंग में भी हैं, ठीक है, ये